और ये है अफ्रीकन ग्रे पैरट का 4.5 महीने का एक बेबी, और साइज देखिए, जिसे कहते हैं जायंट कॉन्गो अफ्रीकन ग्रे पैरट का बेबी। बहुत जबरदस्त साइज है, बहुत ही जायंट साइज है, और ये बहुत ही फ्रेंडली है, क्योंकि बचपन से एक बर्ड का एटीट्यूड, बिहेवियर, एक्टिविटी देख के पता चल जाता है कि इसका नेचर कैसे होगा। समझिए, 4 अफ्रीकन ग्रे पैरट का बेबी आपने सबको एक ही एज से हैंड फीडिंग करा करा के बड़ा किया, लेकिन चारों का बिहेवियर, एटीट्यूड, एक्टिविटी, ह्यूमन के साथ बॉन्डिंग सेम होगा, ये हम लोग कह नहीं सकते। किसी को देखिएगा, ह्यूमन के साथ बहुत ज्यादा अच्छा बॉन्डिंग बन गया है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया है, और किसी एक को देखिएगा कि वो थोड़ा सा मूडी बन गया है, ऐसे हो सकता है। लेकिन इसका जो नेचर है, इसका जो बिहेवियर है, इसको देख के हमको समझ में आ रहा है कि ये बहुत फ्रेंडली होने वाला है और बहुत ज्यादा ह्यूमन के साथ अटैच्ड होने वाला है। इसका एक्टिविटी बिहेवियर से अभी से हम लोगों को पता चल रहा है, और साइज के बारे में क्या कहूं, ये देख के ही हम सभी को पता चल रहा है। और एक्चुअली ये पूरा के पूरा सेलिब्रेटिंग हो गया है, मेरा ओपन एवियरी में छोड़ने का टाइम हो गया है, लेकिन अभी तो लगातार बारिश हो रहा है, और फर्स्ट टाइम के लिए, मतलब छोटा बेबी था, इसको हैंड फीडिंग करा करा के 4.5 महीना एज हो रहा है, अभी पूरा के पूरा सेलिब्रेटिंग हो गया है, लेकिन फर्स्ट टाइम के लिए ऐसे ओपन एवियरी में छोड़ देंगे, बारिश के टाइम इसको कहाँ छुपना है, सेट का नीचे कैसे जाना है, बारिश से खुद को कैसे बचाना है, इतना सारा ज्ञान इसके अंदर नहीं है। तो जब वेदर ठीक ठाक रहेगा, बारिश नहीं होगा, मतलब 3-4 दिन 10 दिन 15 दिन ओपन एवियरी में ऐसे अच्छे वेदर में रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे इसका ज्ञान, नॉलेज बढ़ेगा कि हाँ बाहर कैसे रहना है, बारिश के टाइम हमको क्या करना है, कैसे खाना खाना है, कहाँ जाना है, सबके साथ मिलजुल के कैसे रहना है। और इनका जो पेरेंट्स है, उन लोगों के बारे में क्या कहूं, पैरट दीपंकर का सबसे पहला जो अफ्रीकन ग्रे है वही पेयर था, और वो तो साल में 3 बार ब्रीड कर ही लेते हैं, और फिर से ब्रीडिंग सीजन आ रहे हैं, और इसी के लिए सारे बर्ड, सारे पैरेट्स का डाइट पे हम लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ब्रीडिंग से 2 महीना पहले से हम लोग जितने अच्छे से डाइट का बंदोबस्त करना पड़ता है, तभी जाके जो अंडा ले करेगी, सही से अंडा ले भी कर पाएगी, सही से फर्टाइल होगा, और जो चिक निकलेगा वो सारे चिक्स अच्छे हेल्थ के साथ अंडा से बाहर आएगा। जैसे ये अफ्रीकन ग्रे का बेबी, जायंट कॉन्गो अफ्रीकन ग्रे, और इसका जो मादर है वो थोड़ा सा रेड फैक्टर का है, इसी के लिए पंख का ऊपर देखिए थोड़ा थोड़ा रेड का भी ग्लो है। कैमरा में आ रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ऐसे खाली आंखों से देखने से पता चलता है कि थोड़ा थोड़ा रेड का लाइट ग्लो है, लेकिन ये रेड नहीं रहेगा, जब एक बार दो बार मोल्टिंग होगा फिर से ऐसे ही ग्रे कलर आ जाएगा, लेकिन इसका जो ब्लड लाइन है ये बहुत अच्छा है। और जैसे अभी अभी कहा कि खाने पे, डाइट पे थोड़ा सा ध्यान देना है, तो अभी हम लोग जाएंगे हम लोगों का बगीचे में, और देखेंगे वहां से क्या क्या फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल कलेक्ट कर पाते हैं, हम लोगों को मिलता है सारे बर्ड्स को खिलाने के लिए। पहुंच गए बिल्कुल सामने, और सनलाइट भी है और हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है। ये जो मौसम है एकदम बहुत जबरदस्त है, हमको तो बहुत ज्यादा पसंद है, और आप सभी से भी कमेंट्स का इंतजार रहा कि ऐसे मौसम, मतलब सनलाइट हो ऊपर और उसका ऊपर से हल्का हल्का बारिश हो, आप लोगों को कितना पसंद आता है। तो फाइनली पहुंच गए हैं, मामा जी एक्चुअली पहले से यहाँ पहुंच गए थे तालाब में मछली पकड़ने के लिए, क्योंकि आज का लंच, आज दोपहर का लंच हम लोगों का यहीं होगा। सबसे पहले खुद खाने से पहले सारे बर्ड्स के लिए फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह हम लोगों को कलेक्ट करना है, और जिस काम के लिए मेनली यहाँ आए हैं वो है अच्छे अच्छे फ्रेश फ्रूट्स। और ये जो अमरूद होता है देखिए पक गया, और बहुत सारा है यहाँ, इतना सारा अमरूद का पेड़ है, और इतना टेस्टी, इतना स्वादिष्ट, इतना क्वांटिटी में अमरूद होता है कि पूरा साल के लिए, और कुछ कुछ पेड़ तो है कि 12 महीने ऐसे अमरूद होता रहता है, और पूरा साल के लिए अमरूद मिल जाता है सारे बर्ड्स के लिए। और तो इसी के कारण बर्ड फार्म मेंटेन करने में हम लोगों को बहुत ज्यादा सहायता हो जाता है। मामा जी बहुत तेज बारिश आ गया, अभी और नहीं होगा, फिर से आएंगे, पकड़ लीजिए मामा जी, ये एकदम पक चुका है। और ये जो अमरूद है बहुत स्वादिष्ट होता है। मामा जी कुछ मछली पकड़ा आपने? हो गया, हो गया, सवास। और ये देखिए क्या क्या नहीं मिलेगा, यहाँ से भिंडी भी मिल जाएगा, जो भिंडी बूढ़ा हो गया है ये तो अभी छोटा है, ये ह्यूमन खाने का लायक है, मतलब हम लोग खाएंगे तो बहुत ही स्वाद के साथ खा पाएंगे, लेकिन जो बूढ़ा हो चुका है उसका जो सीड्स है वो कट कट के बर्ड्स, पैरट्स खाना बहुत पसंद करता है। उस साइड ऐसे बहुत सारा भिंडी है जो बूढ़ा हो गया है, उस साइड में जाके तोड़ेंगे। और यहाँ पोमग्रेनेट, मतलब अनार, यहाँ एक है, यहाँ है, लेकिन ये और थोड़ा बड़ा होगा, अभी तक अंदर लाल नहीं हुआ, अभी तक सफेद हुआ है, मतलब टेस्ट थोड़ा बहुत आ गया है, लेकिन और 10-15 दिन रहने देंगे तो और भी अच्छा होगा, उसके बाद तोड़ेंगे। फिर से तेज बारिश,
और पापा जी और मम्मी जी ने मिलके ऐसे बहुत सारा मौसम्बी का पेड़ लगाया और ये मौसम्बी इतना बड़ा बड़ा होता है। इससे पहले इसका ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ और इसका जो स्वाद होता है बहुत मीठा होता है। मतलब हम लोगों का इस वेदर में, इस एरिया में, इस मिट्टी में इतना अच्छा मौसम्बी होगा ये हम लोग सोचा नहीं था। मामा जी इतना बड़ा छाती लेके आया, मतलब 4-5 लोग आराम से रह सकते हैं। चलिए मामा जी। और यहाँ और एक अमरूद का पेड़ है, इसका अंदर मतलब बाहर तो ऐसे ग्रीन रहता है, जब पक जाता है थोड़ा सा येलो हो जाता है, लेकिन अंदर एकदम पूरा के पूरा रेड कलर का होता है। और जो इसका स्मेल होता है और जो टेस्ट होता है बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट होता है। कितना बड़ा सा एक अमरूद का पेड़, ये भी एक पेड़ है, वहाँ एक दिखाया, वहाँ एक दिखाया, उसके बाद यहाँ अमरूद मिलता ही रहता है पूरा साल के लिए। अमरूद सारे पैरट टाइप का बार्ड्स के लिए बहुत एसेंशियल होता है। अगर आपके पास पैरट टाइप का बार्ड्स है तो अमरूद कंटिन्यू करना चाहिए, जैसे कच्चा भुट्टा उसके साथ अमरूद, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एसेंशियल होता है। अमरूद का अंदर जो सारे गुण है वो सारे पैरट टाइप का बार्ड्स को बहुत जरूरत होता है। इसे कहते हैं गंधराज नींबू और ये बड़ा हो गया है खाने का लायक। और तो खट्टा होता है टेस्ट नींबू का जैसे होता है, लेकिन इसका जो स्मेल होता है मामा जी अलग होता है। ऐसे खाली चावल एक नींबू निचोड़ के हम लोग खा सकते हैं। और ये जो पेड़ है पाम, फूल का पेड़ है, बड़ा बड़ा फूल होता है, ये अभी कच्चा है, पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ फिर से एक अमरूद का पेड़ है, नीचे देखिए कितना सारा अमरूद गिरा हुआ है। बहुत सारा नेचर का बाढ़ आता है और कुछ खाता है, कुछ नीचे गिराता है। और उसके बाद इस साइड देखिए, बेंगोली में तो हम लोग कामरांगा कौरभंगा कहते हैं, और ये अलग अलग टेस्ट का होता है, कुछ होता है बहुत खट्टा, लेकिन ये जो पेड़ है और कितना सारा हुए है देखिए, ऊपर से लेके यहाँ तक मतलब पूरा भरा हुआ है। यहाँ और एक पेड़ है, बहुत सारा हुआ है देखिए। और ये सारे कामरांगा कौरभंगा कुछ भी कहे बहुत मीठा है, खाने में बहुत अच्छा, मतलब ऐसे खाली मुंह में, मामा जी के तो खट्टा बहुत पसंद है, बहुत मीठा है, कोई भी खा सकता है। और यहाँ ये तो एकदम अच्छे से पक चुका है, और मैं तो खट्टा पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन इसका टेस्ट इतना अच्छा है, मतलब खट्टा का कोई टेस्ट नहीं है, पूरा के पूरा मीठा है, तो मैं भी खा सकता हूँ। पेड़ का नीचे ये इंडियन रिंगनेक पैरट का काम है, टुकड़ा टुकड़ा करके ऐसे गिराया, मतलब ये पेड़ पूरा साफ कर दिया। वहाँ उस पेड़ का नीचे तो कुछ भी नहीं गिरा, और इस पेड़ का नीचे इतना गिरा, मतलब मामा जी इस पेड़ का कामरांगा कौरभंगा शायद थोड़ा ज़्यादा मीठा होगा। ये एकदम पूरा मीठा है, बहुत अच्छा टेस्ट है। ऐसे तो इंडियन रिंगनेक पैरट्स खा रहा है, तो हम लोगों का बार्ड्स को एक बार देके चेक करें, चेक करें, क्योंकि इतना खराब हो रहा है, नीचे गिर रहा है, एक दो बार्ड को देके थोड़ा सा ट्राई करेंगे, चेक करके देखेंगे, और अपडेट तो आप लोगों को मिलता ही रहेगा। और आप लोगों का क्या राय है, आप लोगों का कुछ जानकारी है कि नहीं इस फ्रूट्स के बारे में, कि बार्ड्स मतलब एग्जॉटिक बार्ड्स ये खा सकता है कि नहीं, अगर खाए तो कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, तो जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। जिसका कलर एकदम येलो पीला हो गया है, मतलब वो पक गया है, ऐसे कलर का आप लीजिए, ठीक, ज्यादा नहीं, 3-4-5 ऐसे कुछ लेंगे। वो देखिए इंडियन रिंगनेक का आवाज भी आ रहा है। इस बगीचे में अमरूद ऐसे बहुत सारा फ्रूट्स मिल जाता है, इसलिए पूरे साल के लिए नेचर का जो सारे बर्ड्स है, नेचर का बर्ड्स का भीड़ भी यहाँ हम लोगों को देखने के लिए मिल जाता है, और उसका भी हम लोग आनंद उठाते हैं। और पूरा के पूरा भीग चुका हूँ अभी, और नहीं, मतलब यहाँ जो भिंडी के बारे में बोल रहा था मामा जी, यहाँ से सारे भिंडी आप तोड़ लीजिएगा, ऐसे भिंडी, ये पूरा के पूरा बूढ़ा हो चुका है, रखा भिंडी, कुछ इंसेक्ट्स भी आ गया है, ये सारे कीड़े भी देखने में कितना खूबसूरत है, रेड कलर का होता है और ऊपर ऐसे छोटा छोटा व्हाइट का स्ट्राइप, बहुत खूबसूरत। ये देखिए बूढ़ा भिंडी, ये ऐसे पीस पीस करके देंगे, एक काट के दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये सारे जो सीड्स है, यही सीड्स खाना बहुत पसंद करता है सारे बर्ड्स, देखिए। ऐसे प्रेस करके हम लोग समझ जाते हैं कि कौन बूढ़ा हुआ और कौन अभी बूढ़ा नहीं हुआ, ये बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, तो मतलब ये बूढ़ा हो गया है। लीजिए मामा जी चलिए। और तो अभी के लिए यहाँ तक, और अभी लंच करेंगे, नहाएंगे लंच करेंगे, उसके बाद बर्ड फार्म में जाएंगे कल सुबह, ये सारे फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो कलेक्ट किया है सारे बर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और वीडियो में तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे।